मैं आप लोगों को आज ऐसा एक ट्रिक्स बताना चाहता हूँ जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है। एक्चुअली देखिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम में होता है जो ट्रिक्स के द्वारा आपको जल्दी हो जाए, तो इसमें आपका 9-10 का जो स्टूडेंट हो इसमें आप फायदा उठा सकते हैं। ओके आइए देखिए कोई भी स्क्वायर, ठीक है, ट्रिक्स ऑफ स्क्वायर, लास्ट नंबर इज 5। ओके लास्ट नंबर इज 5, जैसे इसका 5 है, 45 into 45, ठीक है, इधर जब फेस, ठीक है, हम इनको क्या करेंगे, ये 5 हम लोग इंटू करते हैं तो कितना है 25। ओके तो 25, अब क्या हो रहा है इसका जो लास्ट इधर है 4 का एक स्टेप बढ़ जाओ, मतलब 1 प्लस कर, क्या हो जाएगा 5, 4 into 5 20। ओके अब इसका आगे हम आपको क्या बताया स्क्वायर का, इसका लास्ट नंबर 5। अब हमको कोई भी मल्टीप्लिकेशन इसमें कर लीजिए, ट्रिक्स में आपका सिंपल लॉजिक देखिए, ये आपका पहला क्या करना है इसके साथ इसका इन करना, 3 5 15, ठीक है, 15 5, उसके बाद क्या है इसके साथ इसका और इसके साथ इसका, मतलब 3 से 4 करिएगा 3 into 4, उसके बाद 5 से 2 करोगे तो आएगा आपका 8। दोनों को प्लस कर 22 आया, अब 22 हो गया तो 22 हम लोग कहते हैं कितना था 1 कैरी 1 था तो 23 हो गया, फिर कैरी हो गया, अब फिर 4 2 8 8। अभी प्रैक्टिस करेंगे छोटा डिवीजन 15 into 30, ठीक है, पहले हम लोग क्या था स्टेट वाला, जैसे ये 5 से 3, 15 तो 5 3 15, 5 carry 1, अब क्या है इसके साथ इसका और इसके साथ 5 1 5, अब 3 1 3, दोनों का ऐड कर दो कितना आ गया 8, ठीक है, अब कैरी 1 से 1 ये देख लीजिए, और एक बता दे रहे देखिए एकदम 15 into 80, ठीक है, पहले हम लोग क्या स्टेट लो 5 8 40 40 का 0 कैरी 4, अब क्या है इसका साथ इसका इसका साथ इसका, ये दोनों को इंटू करके जोड़ 5 8 40, सॉरी 8 5 8 और 5 1 5, 8 5 कितना होता 30, कैरी कितना था 4 7, ये कैरी 1 हो गया और लास्ट में आ रहे थे 1 1 1